सो इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और फिर सीधा हम निकल रहे हैं टू अ न्यू डेस्टिनेशन एंड वी आर गोइंग टू लंकावी. इट्स एन आइलैंड. यस, आइलैंड है मलेशिया में. सो वहाँ जा रहे हैं हम एंड विल बी देयर फॉर टू नाइट्स, है ना? हाँ भाई, टू नाइट थ्री डेज. तो निकलते हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट करते हैं और अभी हमारी यहाँ से फ्लाइट है. हम सीधा निकल के आपको दिखाते हैं और मिलते हैं सीधा लंकावी में. टू देन टेक केयर, सी यू. वी हैव रीच्ड कुआलालंपुर एयरपोर्ट और हमारा सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है, लगेज भी दे दिया है. तो वी वेटिंग नाउ. वी स्टिल हैव 45 मिनट्स. 45 मिनट बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी. 12:10 पे बोर्डिंग स्टार्ट है एंड 1:10 की फ़्लाइट है और एक घंटे की फ़्लाइट है. तो 2:15 बजे तक हम लंकावी एयरपोर्ट होंगे. उसके बाद देखते हैं, जैसा भी रहता है आपको दिखाते हैं. लंकावी और ये देखिए बादल, कैसे खतरनाक बादल हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा. एक्चुअली में बहुत ही ह्यूमिड है. पहुंच गए हैं, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि पहले तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ड्राइवर को कॉल करना है. विल सी, और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता रहता हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है. आपको दिख ही रहा होगा पीछे बादल, ये देखिए गंगोर काले बादल. वेलकम टू लंकावी. सो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल. शॉन भैया, शॉन तो भैया आए हैं हमें पिक करने एंड वी आर गोइंग टू आर होटल विच इज पेलांगी बीच रिजॉर्ट. राइट, पेलांगी बीच रिजॉर्ट. तो यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है और रोज ऐसा वेदर नहीं होता. हम लकी हैं कि आज इतना प्यारा वेदर है. तो पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट विच इज पेलांगी बीच रिजॉर्ट. चेक इन. वी आर एट द रिसेप्शन राइट नाउ. ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार और सुंदर सा रिसेप्शन. सो ये वेलकम ड्रिंक मिला है, ये फ्लावर रोज का रोज जूस. हाँ, चेयर्स. अपना चेक इन हो गया है और अभी उनकी वो बग्गी आएगी जो हमें लेकर जाएगी रूम तक, क्योंकि रूम बहुत दूर है यहाँ से. एंड दे हैव अपग्रेडेड अस टू द पूल व्यू रूम. इट वाज अ टेरेस गार्डन रूम अर्लियर, बट उन्होंने पूल व्यू रूम दे दिया हमें. एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सामने से भी दिखाऊँगा. अभी थोड़ा सा मैप में जो उन्हें हमने समझाया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बड़ा है. सो जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है, फर्स्ट इज जिम, थर्ड इज एनिमल फार्म, टेनिस, स्पा, रेस्टोरेंट. ये सारा 1, 2, 3, 4 उन्होंने सब करके दिया है. लाइक इट्स अ ह्यूज रिजॉर्ट. तो ऑप्शन भी हमारे पास दो हैं रेस्टोरेंट के, सुबह 6 और 7 स्पाइस ग्रिल या अमेरिकन रेस्टोरेंट कॉन्टिनेंटल, ये सब भी हम आगे कर सकते हैं. सो दिस इज आर राइड फॉर द डे. दिस इज आर राइड फॉर द डे. वी आर गोना बी इन दिस बगी क्लब का. टोटल हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन दिस रिजॉर्ट? 350 रूम्स. ओ That's great. And how many sea-facing rooms? Lot? Nice. 350 rooms. That's a huge property, huh? Oh, yeah. These are sea-facing? They all are sea-facing, huh? Yeah. All right. That's nice. Yeah.
hotel. You have two lakes inside the hotel? Two lakes? No. Lake also, no? Just lake. Alright. Alright. Okay, see, this is the sea facing. Yeah. We have a pool facing, yeah? Oh, that's a lake. So I'll show you around in the evening. थोड़ा सा शाम को आएंगे हम घूमते फिरते पैदल निकल पाए यहाँ तक पहुँच पाए चलते हुए तो दिखा दूंगा. Okay, another lake. यहाँ पे दो lake हैं इस property के अंदर ही, एक एरी और एक दूसरी side के थोड़ा दूर हो, कैमरे में आई नहीं होगी. ये देखिए ये वाली. तो पहुंच गए हैं अपने रूम पे, ऊपर जाके देखते हैं कैसा है. बाहर से तो बहुत ही शानदार है, अंदर से भी देख लेंगे. सो दिस इज आवर रूम एंड इट्स अ पूल व्यू. पूल व्यू रूम है ना. और ये है यहाँ का वॉशरूम जो कि है बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर. और ये बना हुआ है पूरा वार्डरोब एरिया एंड लॉकर एंड द बाथटब एंड द शावर एरिया. और oh, nice. We have a balcony also. And this is me and this is my wife. और यहाँ से बाहर एक बार निकल के देखते हैं. This is the balcony. And that's the pool area. There's the kids pool area here. And that's the bar. और ये देखिए पूरा. सो इट्स 6:30 इन द इवनिंग. 6:30 हो गए हैं. थोड़ा सा मौसम बदल गया यहाँ का. छाएं हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ह्यूमिड था. तो अब बाहर निकल रहे हैं, रेडी हो गए. मैं हो गया हूँ रेडी, सृष्टि रेडी हो रही है. तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से घूमने चलेंगे. सो वी आर गोइंग टू द बीच साइड नाउ. थोड़ा चिल करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, शैक्स पे देखते हैं क्या है यहाँ पे, कैसा है बीच. सनसेट होने वाला है तो वो देखेंगे. तो आपको थोड़ा सा होटल का एरिया दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं सीधा बीच की तरफ. सो दिस इज वन लेक साइड. ये देखिए ये क्या है नीचे, ये कीड़े हैं क्या है? क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? इट्स अ फिश और समथिंग. क्या है ये? पता नहीं, कुछ तो है, समझ नहीं आ रहा. तो ये है लेक, एक लेक ये है वाटर बॉडी और एक लेक इसके आगे है. मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. ओह व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर है. ये देखिए एक ये जगह बनी हुई है टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड. इट्स अ काइंड ऑफ अ फोटो बूथ एंड चिल रिलैक्स एरिया. और दूसरा लेक व्यू ये है. और ये सारे लेक व्यू रूम हैं और इतना प्यारा लग रहा है इधर. बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है. और ये इसकी आवाज़ इतनी अच्छी आती होगी ना, आसपास वाले रूम वाले बड़ी शांति से और प्यार से बैठते होंगे. सो इस प्रॉपर्टी में दो लेक हैं, दो पूल हैं. एक पूल कैस्केड पूल है जो मेरे रूम के बाहर है और एक और पूल है. मैं देखता हूँ, इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी ऑफ 350 रूम्स. तो थोड़ा सा मेरे लिए पूरा कवर करना डिफ़िकल्ट है. जो जो मेरे सामने आता रहेगा मैं दिखाता जाऊँगा. बट सबसे प्यारा तो मुझे जो लग रहा है अभी, हाँ, क्योंकि सनसेट होने वाला है तो आई वॉन्ट टू गो टू द बीच नाउ. ओह लुक एट दिस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. Just look at this view. This is so amazing. Wow. मतलब हा हा हा. और ये प्यारी सी पानी की आवाज़ सुनते हैं शांत होके थोड़ी देर. सो दिस इज़ दी प्राइवेट बीच जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं. दिस इज़ पलांगी बीच रिजॉर्ट एंड स्पा. और ये है उसकी सुंदर सी प्राइवेट बीच. और थोड़ी सी पिक्चर्स ले लेते हैं और वीडियोस बना लेते हैं फॉर इंस्टा ऑल्सो. पोस्ट करनी है ना, रील वील डालनी होती है, मज़ा आता है.
सो अब जो टाइम हो गया है वो हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30, और ये देखिए पीछे सनसेट कितना प्यारा और व्यू। आ जाओ साथ में एक सेल्फी वीडियो फॉर व्लॉग सनसेट होते हुए, बहुत ही अमेजिंग। और बहुत सारी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स क्लिक करवा ली हैं और वीडियोस बनवा ली हैं फॉर रील। मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉगिंग के लिए भी बता दें कि बहुत ही प्यारा सनसेट है, मज़ा आ गया देख के, एकदम पिंक स्काई एंड पर्पल, बहुत ही। आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, देखो प्लेन जा रहा है और सनसेट हो रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट 7:45 हो गए हैं एंड द स्काई इज़ पिंक ऑरेंज लिल ब्लू, आपको दिखाता हूँ, तीनों कलर मिक्स हो रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। सामने जो मुझे कलर्स दिख रहे हैं ना वो फ़ोन में नहीं आ रहे हैं, इट्स ऑरेंज पर्पल पिंक ब्लू। एक बार आप यहाँ से देखिए यहाँ के नज़ारे, मतलब इतने शानदार इतने जानदार है ना, मज़ा आ गया देख के, दिल खुश हो गया ये व्यू देखने के लिए हम आए थे। सो हियर वी आर एट अ ब्यूटीफुल शेड, अभी थोड़ा सा चिल कर रहे हैं बैठ के और सामने देख रहे हैं फायर शो। वापस आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग फायर शो देख के मज़ा आ गया। आपको वीडियोस दिख गई होंगी अभी तक, आपने भी देखी, आप भी बताना कैसा लगा। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही फन था, बहुत ही डिफरेंट और थ्रिलिंग था बहुत। मतलब इतनी पास इतनी मेहनत करते हैं, आँख से खेल रहे थे, लिटरली आँख से खेल रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहे थे पसीने, और वो लोग पूरे टाइम आग से, मतलब 2-2.5 घंटे लगातार। Hats off. Amazing. बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया सच में। सो दिस इज द सेकेंड पूल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एक तो कैस्केड पूल था पीछे जो बिल्कुल हमारा रूम व्यू है, और एक दूसरा पूल ये है। हाँ ये वाला पूल देखें आप, मैं रात को दिखा रहा हूँ ये सामने से आपको, और सामने देखिए स्लाइड भी है, फिसल के आओ और उसमें कूद जाओ, इसमें आएंगे, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये सारा पूल एरिया, दो पूल हैं इस प्रॉपर्टी में और बहुत ही अमेजिंग। सो एक दूसरा रेस्टोरेंट जो यहाँ पे है वो ये वाला है जिसमें अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल मिलता है, और एक पीछे जो रेस्टोरेंट निकल गया उसकी वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पे मोस्टली ग्रिल आइटम्स, बट ये हाँ ये वाला बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बना रखा है। इट्स लाइक अ रोमांटिक डिनर प्लेस फॉर डेट, कपल्स के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। ओहो हो कितना सुंदर लग रहा है।